खोराबार थाने की पुलिस ने कार्बाइन से हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विजय प्रताप सिंह पुत्र कुंवर प्रताप सिंह निवासी अराजी मतौनी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त अवैध असलाह कार्बाइन को अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि गुरुवार को ही अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा, प्रभात सिंह कांस्टेबल कृष्ण कुमार गुप्ता, ब्रिगेडियर चौहान मनीष सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, रखा हुआ इसे फसल कहाँ पे है कितने बताओ आप बताओ ऊपर है ऊपर आ रहा है सर सर बहुत दिनों से लगभग 27 साल पहले 27 साल पहले भी यहाँ रखा है नहीं सर 4-5 साल पहले 4-5 साल पहले यहाँ रखा सर जैसे वहीं पे रखते यहीं रखते थे सर से कोई भी उठा ले जाए नहीं सर कोई वहाँ आता ही नहीं यहाँ परिवार पानी बरसेगा नहीं नहीं पानी बरसेगा तो भीग नहीं जाएगा सर यही किनारे सर यही बोरे में रखे थे सर यही है जी जी सर चलो आइए सर पास में आई ऊपर देखिए लो पीछे करके मेरे लिए बनाया करो अजीत भाई लो लो जी ये काला होगा पकड़ ले जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबार द्वारा एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसने 16 नवंबर 2018 को एक परिवार के ही किसी रिलेटिव की बेटी के मुंडन के कार्यक्रम में अवैध असले से 6 राउंड फायर किए थे और उसके बाद में ये वीडियो कल सरफेस हुआ। इस वीडियो के सरफेस होने के बाद खोराबार पुलिस एवं एसओजी द्वारा तुरंत इस अभियुक्त को हिरासत में लिया एवं उसी की निशानदेही पर उसी के घर के शौचालय पर वहाँ पे एक सफ़ेद बोरे में एक कार्बाइन जैसा दिखने वाला असलाह और मैगजीन वहाँ से बरामद की एवं उससे अग्रिम पूछताछ जारी है कि वो कार्बाइन है कहाँ से उसने खरीदी है। उल्लेखनीय है कि इस अभियुक्त पर पूर्व में भी 4 मुकदमे हैं, जिसमें एक में पिस्टल से फायरिंग करने का 2021 में मुकदमा भी प्रकाश में आया है। ये वीडियो एक मुंडन कार्यक्रम में 16 नवंबर 2018 का वीडियो है और ये इन्हीं के एक नज़दीकी रिलेटिव हैं, उन्हीं के बेटी के मुंडन के कार्यक्रम में उन्होंने फायर किया था। इनसे पूछताछ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने दो अलग अलग लोगों के नाम बताए हैं, उन्हीं लोगों की को हिरासत में लेने के लिए, उनसे पूछताछ के लिए कि क्या वास्तव में उन्होंने बेचा है, उसके लिए 2 टीमें यहाँ से गठित करके रवाना कर दी गई हैं और इनकी आज पुलिस कस्टडी भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करके ली जाएगी, ताकि इस पूरे घटनाक्रम और कार्बाइन जैसे दिखने वाले असले और पूर्व में भी इन्होंने एक पिस्टल से फायर किया था 2021 में, उन दोनों असलों को कहाँ से इन्होंने खरीदा है और ताकि इस घटनाक्रम का पूर्णतया खुलासा हो सके।
अभी तक ये एक अभियुक्त हैं, सिंगल अभियुक्त हैं, इनके ऊपर जो भी विधिक कार्रवाई प्रचलित होनी होगी वो आम प्रचलन में लाई जाएगी। इनका ससुराल बिहार की सिवान कस्बे में है और आगे की जितनी भी विधिक कार्रवाई है वो अग्रिम पूछताछ के बाद में की जाएगी। कल थाना खोराबार को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें यह सामने आया कि कल प्रातः एक वीडियो जिसके अंदर एक व्यक्ति कार्बाइन जैसे दिखने वाले असले से 6 राउंड फायर करते हुए दिखाई पड़ रहा है, उस व्यक्ति की शिनाख्त कर उसको हिरासत में लिया गया एवं हिरासत में लेने के बाद में पूछताछ में उसने बताया कि उसने जो उस अवैध असला है वो अपने घर की शौचालय की छत पर एक सफ़ेद बोरे में छुपा रखा है, उसके साथ में मैगजीन और एक असला साफ करने वाला तेल भी मिला है जो कि एक वेल ऑयल्ड असला है। उसके बाद में उससे पूछताछ की गई कि उसने असला कहाँ से प्रोक्योर किया है, उसने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, उन लोगों के नाम के आधार पर 2 टीमें गठित की गई है और वो दोनों टीमें रवाना कर दी गई है गंतव्य पे। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त विजय के खिलाफ पूर्व में भी 2021 में एक 307/7 का मुकदमा दर्ज है, जिसमें इन्होंने अवैध असला पिस्टल से इन्होंने फायर किया था चुनाव में और उसके बाद में एक रंजिश गांव में चलती आ रही है उसी के मद्देनज़र ये इस असले को प्रयोग करने के लिए समय समय पर लहराता रहा है। इसके खिलाफ पूर्व में 336 का मुकदमा दर्ज किया गया था इसी केस में, लेकिन अब 7/27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सेक्शन 7 जो है आर्म्स एक्ट का, ये बताता है कि आप यू विल नॉट पसेस और प्रोक्योर और सेल और ट्रांसफ़र एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स, और सेक्शन 27 है वो एनी ऑफेंस जो सेक्शन 7 का कॉन्ट्रवेंशन होता है उसमें जो 27B है उसके हिसाब से नॉट लेस देन 7 ईयर्स एंड इट कुड गो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ में सेल बी लाइबल टू फाइन। तो ये सीरियस जो कि असले जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं वगैरह इस तरह के असलों पे लगाने के लिए ज़रूरी है ताकि इस तरह का अपराध समाज में ना बढ़े और इस तरह के जो भी मनबढ़ हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। सोशल मीडिया पे इस तरह का एक फ़ोटो है वो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी उसकी सत्यता और उसके साथ में कौन व्यक्ति है इसको वेरीफाई करने के बाद ही इसमें कमेंट किया जा सकता है। थैंक यू।